आज के टाइम पे यूट्यूब पर अगर कॉमेडी वीडियोस के बाद सबसे ज़्यादा व्यूज़ किसी वीडियो पर आते हैं तो वो है ब्लॉग्स। इनफैक्ट ट्रेंडिंग में भी आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा वीडियोस आ रही हैं जो कि ब्लॉगिंग से रिलेटेड होती हैं। जैसे मैं आपने भी काफ़ी ब्लॉग्स देखे होंगे, सौरभ जोशी ब्लॉग्स को आप देखते होंगे, आपके मन में भी कभी विचार आया होगा कि काश हम भी ब्लॉगर बन जाएं एक। तो आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूँ कैसे आप अपना ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट कर सकते हैं एंड कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल माइंडसेट की बात करेंगे कि आपको क्या माइंडसेट लेकर यूट्यूब पर आना चाहिए अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं। सेकंड, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके साथ शेयर करूंगा जो आपको ध्यान में रखने हैं। थर्ड चीज़, इक्विपमेंट्स, आपको कौन कौन से गैजेट्स इक्विपमेंट्स चाहिए होंगे ब्लॉगिंग करने के लिए। फोर्थ इज़ एडिटिंग वगैरह कैसे क्या होगी। एंड फिफ्थ, विच इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग चैनल। तो इन सभी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। सो वीडियो को एंड तक देखना, अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया यार तो लाइक कर दो, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस। सो आइए शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बात करते हैं माइंडसेट की। देखो, माइंडसेट यूट्यूब पर सही लेके आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आप गलत माइंडसेट से यूट्यूब पर आएंगे ना तो कभी आप सक्सेसफुल ब्लॉगर नहीं बन सकते हैं। पर्सनली मैं ये गलती कर चुका हूँ। जब मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया था तो मेरा माइंडसेट बिल्कुल उल्टा था, जो कि नहीं होना चाहिए था। एक क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कोई आप अपने आप से पूछो, व्हाई यू वांट टू स्टार्ट ब्लॉगिंग चैनल, आप क्यों ब्लॉगिंग चैनल स्टार्ट करना चाहते हैं। बहुत सारे इसके आंसर्स हो सकते हैं, जैसे कि सभी लोग कर रहे हैं तो हम भी कर लेते हैं। सेकंड, सभी बहुत ज़्यादा कमा रहे हैं, हम भी कमा लेंगे। थर्ड, भाई साहब पैसा ही पैसा आता है यहाँ से, तो कुछ करना भी नहीं पड़ता ज़्यादा। फोर्थ, हो सकता है कि जस्ट फॉर हैप्पीनेस एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू, मतलब खुशी के लिए करना चाहते हैं एंड जो लोग हमें देख रहे हैं उनकी लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड कर सकें उसके लिए स्टार्ट करना चाहते हैं। शुरुआत के मैंने जो तीन आंसर्स बोले हैं, ये आपकी फर्स्ट प्रायोरिटी कभी भी नहीं होना चाहिए। सेकेंड या थर्ड प्रायोरिटी हो सकता है, फर्स्ट प्रायोरिटी आपका होना चाहिए फॉर हैप्पीनेस एंड प्रोवाइडिंग वैल्यू। इसका मतलब हो गया फर्स्ट प्रायोरिटी आपका कॉन्टेंट होना चाहिए शुरुआत में। जब आप कॉन्टेंट को फर्स्ट प्रायोरिटी रखेंगे ना तो विद टाइम जो मैंने तीन पॉइंट बताए ये अपने आप आपके पास चल के आएंगे। आपके पास पैसा होगा, नाम होगा एंड बहुत सारी चीज़ें होंगी, लेकिन शुरुआत में ये चीज़ें आपको नहीं मिलेंगी। शुरुआत में आपको फोकस करना है अपने कंटेंट पर, ना कि अर्निंग पर। ऑलराइट, अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। सो पॉइंट नंबर वन, अगर आप ऐसा सोचते हैं कि ब्लॉगिंग बहुत ईजी है, बस कैमरा पकड़ा और घूम रहे हैं, बस जो कर रहे हैं दिखा रहे हैं, तो इतना ईजी नहीं है जितना आप सोच रहे हैं। हाँ, शुरुआत में आपको थोड़ा सा मुश्किल लग सकता है, बट विद टाइम जैसे जैसे आप ज़्यादा ज़्यादा ब्लॉग्स बनाओगे आपके लिए ईजी हो जाएगा। लेकिन बिल्कुल ईजी नहीं है, अगर बिल्कुल ईजी होता तो छोटे छोटे बच्चे भी बड़े बड़े ब्लॉगर बन जाते। सभी ईजी कोई काम नहीं होता है। हाँ, लेकिन ईजी होता है अगर आपको उसमें इंटरेस्ट है, पैसन है, ज़्यादा बनाओगे तो ईजी हो जाएगा। सेकेंड, कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। जी हाँ, अगर आप ऐसा सोच रहे हैं कि एक दिन में आप बड़े ब्लॉगर बन जाएंगे, ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो नहीं हो पाएगा। जिस तरीके से आप कोई भी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हैं, सेम उसी तरीके से ब्लॉगिंग चैनल को भी आपको ग्रो करना पड़ेगा। कंसिस्टेंसी चाहिए और साथ में पेशेंस भी चाहिए, सब्र चाहिए। अगर कंसिस्टेंसी एंड पेशेंस नहीं होगा ना तो आप ग्रो नहीं कर पाओगे। पेशेंस ही नहीं है आपके अंदर, आपने दो ब्लॉग्स बनाए, चार वाले, 50 डाल दिए, चैनल ग्रो नहीं हुआ, आप छोड़ के भाग जाओगे, बिकॉज नो पेशेंस, क्योंकि वहाँ पर पेशेंस नहीं है आपके अंदर। तो पेशेंस रखिए एंड कंसिस्टेंसी रखिए। थर्ड चीज़, नॉलेज एंड कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट इन इट। यस, आप ब्लॉगर हैं, आप कहीं घूमने जा रहे हैं तो उसके बारे में आपको पता होना चाहिए कि आप जो प्लेस दिखा रहे हैं या कोई टेम्पल दिखा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स आपको होनी चाहिए। वो आप कहाँ से पता करेंगे, जहाँ भी घूमने जाएँ पहले गूगल वगैरह पर रिसर्च करें, अच्छे से पॉइंट्स नोट डाउन करें एंड वो लोगों को बताएं। सेकंड, कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। आप ब्लॉगिंग कर रहे हैं तो आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए। जस्ट वाई, आप जैसे कहीं रोड पर जा रहे हैं, कोई मिल गया और आप उसके बारे में कुछ उल्टा सीधा बोल दिए ब्लॉग में, तो लोगों को पसंद नहीं आएगा। यहाँ पर नेगेटिविटी अगर आप फैलाएंगे तो लोग आपको पसंद नहीं करेंगे, डिसलाइक करेंगे वीडियो को। तो कम्युनिकेशन स्किल्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड फोर्थ चीज़ ये है कि आप ब्लॉग्स जो बनाएंगे वो अपलोड कहाँ करेंगे, यूट्यूब पर करेंगे। तो यूट्यूब के रूल्स आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज चैनल आपका बंद हो सकता है, मे बी आप पैसा ना कमा पाएं। तो यूट्यूब के रूल्स आपको कहाँ से सीखने को मिलेंगे, आपको हमारे चैनल पे मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दो एंड बेल आइकन को प्रेस। बात करते हैं इक्विपमेंट्स की, हमें कौन कौन से इक्विपमेंट चाहिए अगर हमें ब्लॉगिंग स्टार्ट करनी है। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, अगर आपके पास एक मोबाइल है एंड इंटरनेट है, इन दो चीज़ों से आप ब्लॉगिंग स्टार्ट कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप महंगा माइक खरीदें, महंगा कैमरा खरीदें, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। फर्स्ट प्रायोरिटी मैंने कहा कॉन्टेंट आपका होना चाहिए, उसके बाद ही दूसरी चीज़ें होनी चाहिए। अगर आपका कॉन्टेंट अच्छा है, मोबाइल फ़ोन इंटरनेट मोर देन इनफ है, ठीक है। उसके अलावा अगर आपका थोड़ा बहुत बजट है, आप स्पेंड करना चाहते हैं, तो आप एक गोरिल्ला पोर्ट ले सकते हैं, कुछ इस तरीके का आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, इस तरीके ले सकते हैं। इसमें मोबाइल फंसा लीजिए और अच्छे से ब्लॉगिंग आप कर सकते हैं। उसके अलावा इससे क्या होगा, आपका वीडियो स्टेबलाइज हो जाएगा काफ़ी, एंड वॉइस रिकॉर्ड करने के लिए आप माइक यूज़ कर सकते हैं। वैसे इसके लिए आता है शॉटगन माइक, कोई
है ना, तो उस पर दूर हो ना तब भी वॉइस असिस्टेंट रिकॉर्ड होती है, वो कुछ 2,000 रुपये का आता है, तो वो आपको ख़रीदना पड़ सकता है। लेकिन कोई इंपॉर्टेंट नहीं, अगर आपके पास सिर्फ और सिर्फ मोबाइल फ़ोन इंटरनेट है ना, तो उससे भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। बाद में जैसे जैसे आप ग्रो होते हो वैसे वैसे आप इनको भी बाई कर सकते हैं। तो ये चीज़ है, बाकी और ज़्यादा ग्रो करना चाहते हैं तो और आप सोनी वगैरह का कैमरा ले सकते हैं। बट स्टार्टिंग में मैं कहूँगा आप ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें, ज़्यादा एक गोरिल्ला पॉड खरीद लें, उससे ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें तो सही रहेगा आई थिंक। हाँ, आपकी एडिटिंग अच्छी होनी चाहिए, आप जो बता रहे हो लोगों को वो अच्छा होना चाहिए, समझ गए। ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, कॉन्टेंट इज़ द किंग। अब बात करते हैं यहाँ पर एडिटिंग की। अगर आप ब्लॉगर बनना चाहते हैं तो आपको वीडियो एडिटिंग आनी चाहिए। वीडियो एडिटिंग में आपको बेसिक तो आनी चाहिए, लाइक कट कर सके, कोई पार्ट आपको कट करना है वो कट कर सके, बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सके, कुछ सिनेमेटिक शॉट्स वगैरह की आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, ठीक है, एंड ट्रांजिशन के बारे में पता होना चाहिए। अब आप बैकग्राउंड म्यूजिक वगैरह यूज कर रहे हैं तो वहाँ पर कॉपीराइट रूल्स यूट्यूब के जो हैं वो आपको पता होने चाहिए, अदरवाइज आपका वीडियो रिमूव हो सकता है, कॉपीराइट क्लेम आ सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो आपको सीखनी पड़ेंगी। बाकी कॉपीराइट रूल्स वगैरह के ऊपर मैंने वीडियो बना रखी है, लिंक आई बटन में आपको मिल जाएगी, जाके देख सकते हैं, ठीक है। बाकी ये एडिटिंग वगैरह जो भी है अगर आपको सीखनी है अच्छे से तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड हाँ, व्लॉगिंग में यार सिनेमेटिक शॉट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और बैकग्राउंड म्यूजिक अच्छे अच्छे यूज़ करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तभी ब्लॉग में मज़ा आ जाता है। मतलब नॉर्मली आप बोलते रह रहे उसमें थोड़ा सा मज़ा कम होता है, लेकिन अगर आप बोल रहे हैं उसका बैकग्राउंड म्यूजिक आ रहा है, सिनेमेटिक शॉट्स हैं, तो वो ऑडियंस ज़्यादा पसंद करती है। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, विच इज़ हाउ टू अर्न मनी फ्रॉम ब्लॉगिंग चैनल। मतलब आप कोई चीज़ कर रहे हैं तो अपने फ़ायदे के लिए करेंगे, बिना फ़ायदे के लिए कोई कुछ नहीं करता है। तो देखो, इट्स यूट्यूब, यहाँ पे टोटली सब चीज़ आपकी है। शुरुआत में मे भी आपको पैसा वगैरह ना मिले, बट एक बार आपका चैनल ग्रो होता है तो मल्टीपल सोर्स यहाँ पे क्रिएट हो जाते हैं। अब मैं आपको कुछ तरीके बताता हूँ जिनसे आप अर्निंग कर सकते हैं। नंबर फर्स्ट है एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग के लिए आपको कोई इंपॉर्टेंट नहीं है कि कितने सब्सक्राइबर हो, कितना वॉच टाइम हो, कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। आप आज चैनल क्रिएट कर रहे हैं, आज से आप एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं। आप ब्लॉगिंग में आप गोरिल्ला बोर्ड यूज करते हैं, कौन सा फोन यूज करते हैं, कोई प्रोडक्ट आपने दिखा दिया वीडियो में कि मैं ये यूज करता हूँ, तो उसका लिंक आप डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं, ठीक है, लोग वहाँ से बाई करेंगे तो उसमें आपको कमीशन मिलता है। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है कि अगर आपके वीडियो पर व्यूज नहीं आ रहे हैं तो ऐसे में आप नहीं सोच सकते कि एफिलिएट मार्केटिंग से आपकी अर्निंग होगी, व्यूज आएंगे तभी अर्निंग होगी। ठीक तरीका है वो है मोनेटाइजेशन। जब आपके चैनल पर 1,000 सब्सक्राइबर्स एंड 4,000 घंटे का वॉच टाइम कंप्लीट हो जाता है, साथ में आपका जो कंटेंट है वो एडवर्टाइजमेंट फ्रेंडली होता है, तो ऐसे में आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, आपकी वीडियो पर एड्स आना स्टार्ट हो जाते हैं एंड उसका रेवेन्यू आपको मिलने लगता है। थर्ड तरीका है, एंड ये बहुत बड़ा तरीका है, विच इज़ स्पॉन्सरशिप, या कहें तो ब्रांड कोलेबोरेशन। सबसे ज़्यादा यूट्यूबर जिस चीज़ से अर्निंग करते हैं वो होती है स्पॉन्सरशिप, समझ गए। एफिलिएट मार्केटिंग से आपकी अर्निंग थोड़ी मीडियम होती है, लेकिन गूगल एडसेंस से सबसे कम होती है। जब आप जैसे यूट्यूबर ग्रो हो जाओगे एक बार, तो आप देख रहे होगे कि सबसे कम अर्निंग आपकी जिस चीज़ से हो रही होगी वो होगी गूगल एडसेंस से। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एफिलिएट मार्केटिंग, तीसरे नंबर पर आता है स्पॉन्सरशिप, एंड सबसे ज़्यादा अर्निंग इसी से होती है। एक एग्जाम्पल आपको मोटा मोटा दूँ तो जितने भी इंडिया में अभी तक ब्लॉगर हैं जिनकी वीडियो पर अप्रॉक्स 1 लाख व्यूज़ आ जाते पर वीडियो पर, एक वीडियो में वो स्पॉन्सरशिप प्रोडक्ट प्रमोशन का 2 से 3 से 4 लाख रुपए तक इजीली ले लेते हैं ब्रांड से, समझ गए। तो सोच के देखो, आपके 50,000 व्यूज़ भी अगर हर वीडियो पर आने लगे तो आप इजीली 2 लाख रुपए ले सकते हैं किसी ब्रांड से, है ना। बट अगेन यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है, आपका कंटेंट अच्छा होना चाहिए, ऑडियंस के साथ इंगेजमेंट अच्छा होना चाहिए, तो पैसे की यहाँ पे कमी नहीं रहती है। लेकिन हाँ, आपको शुरुआत में तो बहुत मेहनत करनी पड़ती है, एक पॉइंट आने के बाद बहुत ग्रो हो जाओगे ना आप, तो आपके जो अर्निंग सोर्सेज वगैरह है ये और भी ज़्यादा क्रिएट हो जाएंगे एंड बहुत आगे तक होता है, लेकिन ग्रो करना इंपॉर्टेंट है। चलो, ये सारी चीज़ें तो पता चल गई, अब मेन पॉइंट यहाँ पे ये आता है कि एग्जैक्टली चैनल बना लिया, हम सारी चीज़ सीख गए, अब ग्रो कैसे करना है, अब ग्रो कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको किसी और वीडियो में बताऊंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को प्रेस, एंड ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। साथ में इंस्टाग्राम पर अगर आपने फॉलो नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में आप फॉलो कर सकते हैं, कोई भी क्वेश्चन वगैरह हो तो आप मेरे को इंस्टाग्राम पर पूछ सकते हैं। सो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक ले जय हिंद।